शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तू अगर चुप पर अड़ा है तो तू अंकित को सब बता कर ही रहेगा, तो जा बता दे उसे, जा यश बता दे उसे कि वो 90 दिन में मरने वाली है। यश जी, आपको गोपाल का वास्ता, प्लीज हमें बताइए क्या हुआ है। काका जी देखिए ना, यश जी को क्या हो गया, हम तब से पूछ रहे हैं, बता ही नहीं रहे आप पूछिए ना क्या हुआ है। अंजलि बेटा, जरा एक ग्लास पानी लाना। जी। आसान नहीं बेटा, हम अंजलि को नहीं बता सकते। चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अभी शांति का रुख किस तरफ होगा। काकी, काकी, वो पता नहीं यश जी को क्या हो गया, हमने आज उन्हें पहली बार रोते हुए देखा। हमने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। आप प्लीज उनसे पूछिए ना, वो आपसे तो कुछ भी नहीं छुपाते। तुझे हर बात बताई जाए ये जरूरी है क्या? कहा ना, ये हमारे घर का मामला है, पूछ लेंगे हमें जो भी पूछना होगा यश से। जा तू अपना काम कर। कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो जरूर हुआ है। आप प्लीज यश जी और बाकी सबका ध्यान रखना।
कोई बहुत बड़ी बात है, तभी तो कल यश जी हमें पकड़ के इतना रो रहे थे और आज सुबह सुबह मंदिर में बैठे हैं। बिल्कुल सही जगह आए हैं आप यश जी। गोपाल तो सबकी सुनते हैं, वो आपकी परेशानी भी दूर करेंगे। पता है ना, जब लड्डू गोपाल साथ हैं तो फिकर की क्या बात है। तुम्हारा गुनहगार हूं अंजलि, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप प्रसाद खा लीजिए, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। अंजलि। हाँ यश जी, आपको कुछ और चाहिए?
अंदर आओ प्लीज। नहीं नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते, हमें बहुत सारे काम है। अंजलि, मैं कह रहा हूं ना, अंदर आओ ना प्लीज, मेरे साथ नाश्ता करो। क्या? नहीं नहीं यश जी, आप खाइए ना, हम बाद में खा लेंगे। हमने कहा ना, हम खा लेंगे बाद में। खाओ। बाद में खा लेंगे ना हम। आ करो। हाँ, हम तो बस जा ही रहे थे काकी। वो कोई बात नहीं, आराम से बैठकर खा लो अंजलि, बाद में चली जाना। मैं तुम दोनों के लिए और पराठे भेजती हूँ। ये हो क्या रहा है, काकी भी? अब तुम खुद खाओगी या मैं अपने हाथों से खिलाऊं? हम खा लेंगे। समय का देखे ग्रहों की ये चाल जी, होगा वही जो चाहे लड्डू गोपाल जी। पहिया समय का देखे ग्रहों की ये चाल जी, होगा वही जो चाहे लड्डू गोपाल जी। पूर्ण होगी कामना या लगेगा ग्रहण, पूछते हैं रातों से ये जागते नयन। कुंडली मिलन बस बस जीते रहो बेटा। अंजलि कैसी? ठीक है। माई, आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं उस घर में हूं मैं अंजलि को कुछ नहीं होने दूंगा। जब लड्डू गोपाल साथ हैं तो डरने की क्या बात है। तुम यहां? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। चलो चलते हैं। चलो मैम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए मैं खुद ही चला आया।
क्या बात है यश, तुम परेशान लग रहे हो? ये 90 दिन की शादी, अंजलि। हाँ यश, नहीं होनी चाहिए थी ये शादी। वही तो मैं कह रहा, 90 दिन की शादी में बेचारी अंजलि पूरी तरह से फंस गई। यश, तुम ठीक तो हो ना? मैं बड़े ताऊ जी से मिलने ऋषिकेश गया था। अलका आंटी, मम्मी और बड़ी दादी ने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मेरी पहली शादी 90 दिन में टूट जाएगी। बड़े ताऊ जी ने मुझे बताया कि मेरे कुंडली दोष के कारण फिर लड़की से मेरी पहली शादी होगी वो 90 दिन में मर जाएगी। रिचा, रिचा मैं तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अच्छा तुम थी कि क्यों रिचा? यश, मैं तुमने भी मुझे धोखा दिया है। मां, अलका आंटी और बड़ी दादी के साथ तुम भी उस धोखे में शामिल थी। तुम भी?
रिचा, रिचा। ताई जी, आप यही रहना। यश के पापा बहुत नाराज लग रहे हैं मुझे। पता नहीं वो क्या करेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप खाना खा लीजिए। मुकेश, उमा, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया मुकेश। अरे जो हुआ सो हुआ, अब तेरे भड़कने से या उमा पर गुस्सा निकाल लेते कुछ ठीक हो जाएगा। भाई जी, एक बात कहूं आपसे, आप इस परिवार की बड़ी हैं और हमेशा रहेंगी, लेकिन आज मेरी नजरों में आप बहुत छोटी हो गई हैं। दादी सब ठीक तो? तुझे कितनी बार कहा है हमारे घर के मामले में अपनी टांग मत अड़ाया कर। क्या बात हुई है गोपाल, सबका ख्याल रखना। हमारे पास सिर्फ 28 दिन और बचे। आखिर उन दोनों की खुशी के लिए ही तो हमने ये 90 दिन की शादी की है ना। मुझे नहीं लगता जो कुछ भी हो चुका है उसकी बुनियाद पे हम अपना रिश्ता खड़ा कर पाएंगे। मन में इतनी बातें, इतना गिल्ट, अगर हमने रिश्ता बना भी लिया तब भी वो टिकेगा नहीं। तो क्या तुम ये रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो यश? अगर रिश्ता टूटता है तो टूट जाए। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।